बालिका वधू 2 शो इन दिनों अपने नए स्टार कास्ट को लेकर लाइमलाइट में है। शो में जल्द ही शिवांगी जोशी आनंदी के किरदार में नजर आएंगी, तो वहीं शिवांगी के अपोजिट शो में जो एक्टर नजर आने वाले हैं वो हैं ये उन दिनों की बात है फेम एक्टर रणदीप राय। पहली बार बालिका वधू 2 के जरिए शिवांगी और रणदीप की जोड़ी ऑडियंस को दिखाई देने वाली है। शो में रणदीप शिवांगी के हमसफर के रूप में नजर आएंगे। ऐसे में शो का हिस्सा बनते ही और शूटिंग शुरू करने से पहले रणदीप ने अपनी खुशी बयां की और साथ ही बताया कि उन पर शो से जुड़ने पर किसी तरह का प्रेशर है या नहीं। जी हाँ, ई टाइम से खास बातचीत में रणदीप बताते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हाँ, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। मैं भी कोई दबाव महसूस नहीं कर रहा हूँ। असल में कहूँगा कि मैं इस शो का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ। वहीं अपने किरदार के बारे में बताते हुए रणदीप ने कहा, जब मुझे आनंद के किरदार के बारे में विस्तार से बताया गया तो मुझे बताया गया कि वो एक बहुत ही प्यारा और देखभाल करने वाला व्यक्ति है। वो स्वार्थी नहीं है जो खुद को दूसरों से ऊपर उठाने में रहता हो। जब भी कोई बात होती है वो हमेशा सच का साथ देता है, फिर चाहे कोई भी उसके सामने क्यों ना खड़ा हो। इस संक्षिप्त को सुनकर मैं आनंद का किरदार निभाने के लिए वास्तव में खुश था, और ना केवल मैं बल्कि ऑडियंस भी ऐसे किरदार को देखना पसंद करते हैं जो जमीन से जुड़ा हो और अमेरिका में रहने के बावजूद भी अपनी जड़ों से चिपका हुआ हो। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे इस किरदार के बारे में बहुत पसंद आई हैं। आपको बता दें कि रणदीप ने अपने करियर की शुरुआत टीवी पर साल 2014 में शो ओ गुजरिया से किया था। इसके बाद वो ये है आशिकी, सीक्रेट डायरीज, दिया और बाती हम समेत कई शोज में सपोर्टिंग रोल में नजर आए, लेकिन साल 2017 में उनकी किस्मत ने एकदम पलटी मारी। उनके हाथ सोनी टीवी का शो ये उन दिनों की बात है लगा, जिससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। इस शो में रणदीप ने मेन लीड किरदार निभाया था। शो में उन्होंने 2 साल तक काम किया और समीर नाम का किरदार निभाया था। और अब रणदीप बालिका वधू 2 से एक बार फिर से छाने के लिए तैयार हैं। हालांकि शिवांगी जोशी के साथ रणदीप की केमिस्ट्री को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ये देखने वाली बात रहेगी।